Hi guys, I'm your host Gaurav Sukti and welcome to our channel Homegram. So today we'll be talking about much awaited launch of Dwarka Expressway. हमने एक वीडियो कवर की थी next big thing in real estate. So this launch is of that builder. So keeping this thing in mind कि अभी रेरा नहीं आया है, so we are not taking builder's name. But 37D का ये सबसे बड़ा launch होने वाला है. And believe me guys, आप पूरी वीडियो जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, एक एक डिटेल्स बताऊंगा that why you should not miss this property. So वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यूअरशिप बहुत अच्छी देते हैं आप लोग, बट कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन उस लेवल का नहीं आता. प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल. और अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और एडवांस डिटेल चाहिए और वन ऑन वन आप चाहते हैं हम काउंसलिंग करें, तो आप #37D लिख कर नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं. सो शुरू करते हैं हम. प्रोजेक्ट इज SG 37D. सो 37D सेक्टर का सबसे बड़ा लॉन्च होने वाला है. सो SG 37D, द फर्स्ट टाइम वी आर अनवीलिंग द नेम ऑल्सो. इट इज डिलक्स DXP1. सो एज पर अस ये आपको जो है मोस्ट लाइकली आपको ये नाम मिलने वाला है प्रोजेक्ट का. सो प्रोजेक्ट के बारे में शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि लास्ट में हम HG रेटिंग में कवर करेंगे 5 स्टार्स में से इस प्रोजेक्ट को कितने स्टार मिलते हैं. अगर आप सोच रहे हैं ये SG 37D के बारे में तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा. सो शुरू करते हैं गाइस. सबसे पहला पैरामीटर किसी भी प्रॉपर्टी के लिए आ जाता है लोकेशन. सो लोकेशन की बात करें प्रिसाइजली 37D इज लोकेटेड ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे. अगर इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी की बात करें तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे से प्रोजेक्ट 800 मीटर के आसपास है. सो बिल्डर इज हैविंग 2 लैंड पार्सल. वन इज ऑफ 16.53, अनदर इज ऑफ 2.5 एकड़. 2.5 एकड़ जो है बिल्डर अभी प्रमोट नहीं कर रहा. इट इज आइकॉनिक टावर एज यू कैन सी इन द ड्रोन ऑल्सो. जो हम आज बात कर रहे हैं ये पूरी 16.53 एकड़ का लैंड पार्सल है जो कि ऑलमोस्ट 700 से 800 मीटर 2 मिनट ड्राइव फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे है. आपको ये पूरी प्रॉपर टाउनशिप मिल जाती है. सो लोकेशन के बेनिफिट सबसे बड़े आते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ इट इज़ वेरी क्लोज टू 1000 एकड़ ऑफ ग्लोबल सिटी. सो ग्लोबल सिटी से आपकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी होने का सबसे बड़ा फायदा है. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैपनिंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे विच विल बी जनरेटिंग द वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट. सो इसके साथ साथ जो ISBT आ रहा है वो भी बहुत क्लोज है. एंड देन अलॉन्ग विद दैट यू गेट 20-25 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम IGI. आपको सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे से इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला. फॉलोड विद CPR एंड SPR ऑल्सो. सो इसके बाद लोकेशन के साथ साथ हमें आसपास की लोकेशन में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना होता है. तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में व्हाट वी सी, देयर इज़ एलान मिरेकल, वन ऑफ द मॉल विच इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट ऑपरेशनल. धीरे धीरे करके पोजीशन देना शुरू कर दिया है. सिग्नेचर वालों का हॉस्पिटल है. हॉस्पिटल की बात करें सिग्नेचर हॉस्पिटल, अगेन अ वेरी गुड रिनॉन हॉस्पिटल ऑफ 37D. यूरो इंटरनेशनल स्कूल है, वो भी 37D में है. तो बेसिक सिविक कम्युनिटीज़ आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मिलता है. रोड्स धीरे धीरे करके 37D में बन रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है. सो टिल द टाइम दिस प्रोजेक्ट विल बी डिलीवर्ड, आई बिलीव 37D विल बी वन ऑफ द इवॉल्विंग सेक्टर ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे. अब अगला बात करते हैं ब्रांड वैल्यू की. सो ब्रांड वैल्यू की बात करें, रिसेंट डेज में SG बिल्डर ने अपना IPO लेकर आए थे. सो इट वॉज लॉन्च्ड एट द रेट ऑफ अप्रॉक्स 450 रुपीज़ ऑफ शेयर एंड नाउ दैट हैज़ बिन क्रॉस 950 रुपीज़. इट इज़ बेयरली 4 to 5 months टाइम. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट. दिस बिल्डर हु हैज़ गिवन मोर देन 30,000 अपार्टमेंट्स. आज इनकी करनाल में, गुड़गांव में, गाज़ियाबाद में, सोना में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है. They are #1 top developer in mid-ticket size and affordable housing. So first time they are entering into luxury segment. So considering the part, their IPO and the kind of funding which builder is having और brand over the period of time इन्होंने timely delivery देके बहुत अच्छा evolve कर लिया है. So it is very good brand. एंड यू कैन सी दिस थिंग दैट ये ब्रांड आपको इस प्रोजेक्ट के बाद इसकी जर्नी किसी और लेवल पर जानी शुरू कर देगी. तो आगे चलते हैं गाइस. आगे हम आते हैं प्रोजेक्ट USP पे. उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इसकी इन डेप्थ और डिटेल्स चाहिए तो आप #37D लिखकर नीचे दिए गए नंबर पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं. आर टीम विल कॉन्टैक्ट विद यू. वी हैव सम एडवांस डिटेल ऑल्सो विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू टेक द डिसीजन. सो आगे हम थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं प्रोजेक्ट USP की. प्रोजेक्ट USP में देखें तो 16.65 एकड़ का लैंड पार्सल है. आपको 2.5 का FAR मिल जाता है. यू गेट टोटल 8 टावर्स. सो 8 टावर्स में आपको डिफरेंट फ्लोर्स मिल जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर अराउंड 25 एंड इट गोज अप टू ऑलमोस्ट 40 फ्लोर्स. सो टाटा प्रमांती, अगर आपने देखा हो कि जैसे उनका एलिवेशन है और पहले छोटा टावर फिर उसके बाद, सो सेम लाइक दैट यू विल बी गेटिंग दीज 8 टावर्स. इसके अलावा अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आर 1008 अप्रॉक्स. 60 per acre. So it is not low density, it is not high density, somehow somewhere around it is a medium density project. डबल हाइट फिट की आपकी लॉबी रहने वाली है. इसमें टिपिकल फ्लोर में आपको 4 to a कोर यूनिट मिलेगी. और प्रोजेक्ट में अगर देखें देर आर एंड नंबर ऑफ अमेनिटीज विच विल बी कवरिंग. 2 लेवल का पोडियम रहेगा, 2 लेवल की बेसमेंट रहेगी, एक प्राइमरी स्कूल रहेगा. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू आर गेटिंग इन दिस प्रोजेक्ट. इसके बाद हम 4th पॉइंट कवर करने वाले हैं जो कि आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलना. That is the amenities and specification. So amenities और specification में मैं directly आता हूँ. The first time they are building a luxury township, so you get 80,000 square feet of executive clubhouse. उसके साथ साथ आपको wrap around balcony मिलती है. उसके साथ आपको 37 से ज़्यादा ऐसी amenities मिलती है जो कि शायद आपने पहले market में सुनी ना हो. इसके साथ साथ आपको modern मॉडलर किचन मिलती है, इटालियन मार्बल मिलता है स्पेसिफिकेशन में. देन इफ यू विल स्पेसिफिकली सी that they have one of the biggest green area in this project. So almost you can say 80% open green area. Whether you take unit on front or back, दोनों side पे आपको जो है पूरी greenery मिलती है. The biggest USP of this project is you are getting 7 swimming pool, not 1, not 2, not 3. So considering the part, almost हर एक टावर के लिए एक स्विमिंग पूल आपको मिलने वाला है. So considering this thing, why I am saying these kind of things, because this is the first luxury launch. So you will not believe, ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जहाँ पे आगे आने वाले टाइम पे जितने लॉन्चेस आ रहे हैं लोगों को लगे कि नहीं यार ये बोला कुछ था और दे कुछ और दिया. तो कंसिडरिंग दैट पार्ट यू विल गेट एडिशनल थिंग्स विच दे विल बी प्रॉमिसिंग. So keeping this thing in mind, today the market is on upside trend. अब मैं लास्ट में जब कवर करने वाला हूँ वैल्यू प्रोपोजिशन का पॉइंट, यू विल बी सरप्राइज टू नो द रेट. अब चलते हैं हम साइजेस पे. सो साइजेस में 3 BHK मिल जाता है, 3 BHK, 3.5 BHK मिल जाता है, 4.5 BHK मिल जाता है. और एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, दैट इन दिस प्रीमिसेस यू विल बी गेटिंग अ इंटरनल मॉल विच विल बी गिविंग यू ऑल एड हॉक एडवांटेजेस फॉर योर शॉपिंग एक्सपीरियंस. सो स्कूल भी है, मॉल भी है उसी प्रीमिसेस में. अब हम साइजेस पे आते हैं. सबसे छोटा साइज जो है 3 BHK का, दैट इज अप्रॉक्स 22 to 2300 स्क्वायर फीट. 3.5 BHK 2600 स्क्वायर फीट. 4.5 BHK इज अप्रॉक्स 3000 स्क्वायर फीट. तो ये 3 साइजेज़ हैं आपको जो कि एप्ट हैं. आई बिलीव बहुत अच्छे साइजेज़ हैं और लेआउट की एफिशिएंसी भी ये बिल्डर बहुत अच्छी निकालता है. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल बी कवरिंग अप द वैल्यू प्रोपोजिशन. और लास्ट में आपको बताऊंगा HG रेटिंग में ये 5 पैरामीटर्स में हमने क्या क्या दिया है. तो वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करें, एज पर बिल्डर इन मोस्ट लाइकली दे विल बी लॉन्चिंग अनदर 1 वीक. दे विल स्टार्ट टेकिंग द EOIs अभी लेनी शुरू कर दी है. आज जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे का रेट 23,000 से 25,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पहुँच गया है, यू विल नॉट बिलीव you will be getting this luxury launch in 37D, 50% rate of that. So 14,000 rupees will be the launching rate. आज अगर आप EOI देते हैं तो 1,000 rupees का approx inaugural मिलता है. So 13,000 rupees is the rate which you get in EOI, and the launching rate will be not 14, it will be 15,000 rupees. So considering the part, आज आपको 3 करोड़ रुपीस में अल्ट्रा लग्जरी लॉन्च, that too on द्वारका एक्सप्रेसवे with all the specification and amenities. This is the starting rate. गाइस 1000 यूनिट्स कैसे सेल हो जाएंगी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इस ब्रांड की जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा है. सो अब लास्ट में हम कवर करने वाले हैं HG रेटिंग. HG रेटिंग कवर करने से पहले अगर आपको और डिटेल्स चाहिए इस प्रोजेक्ट के बारे में, आप 37D लिखकर नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. सो HG रेटिंग में सबसे पहला पॉइंट मैंने कवर किया लोकेशन का. सो लोकेशन अगर हम देखें, ये अगर पूरा प्रॉपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे होता जैसे इनका नया आइकॉनिक टावर आएगा जो कि 2-3 हज़ार पे एक्सपेंसिव आएगा, दैट इज अ स्मॉल 2.5 एकड़ ऑफ लैंड पार्सल. सो इसका जो है 4.5 रेटिंग देंगे हम 5 में से. इसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम कवर करते हैं, दैट इज द ब्रांड वैल्यू. सो ब्रांड ने ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 8-9 ईयर्स बहुत अच्छा इवॉल्व किया है. वी विल बी गिविंग देम 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार. थर्ड इज योर प्रोजेक्ट यूएसपीज. प्रोजेक्ट यूएसपीज की बात करें तो हम 5 में से 4 देंगे. फोर्थ इज स्पेसिफिकेशन एंड अमेनिटीज. एज आई हैव टोल्ड यू, दिस स्पेसिफिकेशन इज वंडरफुल. स्टिल इट इज नॉट येट आउट, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आएंगी. सो टिल दैट टाइम आई एम गिविंग 4. एंड वैल्यू प्रोपोजिशन में मुझे 13,000 रुपीज़ में ये स्टील डील लगती है. And guys, this is a must buy because brand is so good and rate is so damn good. So value proposition will be getting 5 out of 5. So total HG rating में हम इस project को 4.3 की रेटिंग देते हैं। सो 4.3 रेटिंग इज हाईली रिकमेंडेबल। और अगर आपको चाहिए और डिटेल्स और आप चाहते हैं कि आप पार्टिसिपेट करें ईओआई में और आपको अच्छी यूनिट मिले, नीचे दिए गए नंबर पे आप 37D लिख सकते हैं। आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।